देखा था कि सौरव जोशी बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, सोशलाइज नहीं करते, तब उन्हें समझ आया कि हाँ सौरव जोशी क्यों नहीं बाहर निकलते। तो गाइस सौरव जोशी को बिना मेहनत के ही कामयाबी मिल गई है। सौरव जोशी किसी भी सब्सक्राइबर या फिर अपने फैंस वगैरह से जल्दी मिलते नहीं, उनको टाइम नहीं देते हैं, और सौरव जोशी बहुत घमंडी या फिर बहुत उनके अंदर एटीट्यूड है। इस तरह की दोस्तों बातें आप लोगों ने कई मतलब के वीडियोस में सौरव जोशी को लेकर के सुनी होंगी। लेकिन दोस्तों बरखा जोशी जो कि सौरव जोशी के घर के सामने रहती है, और मैंने आप लोगों को इनके बारे में मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था। अब दोस्तों बरखा जोशी का इन सभी बातों पर क्या रिएक्शन है और वो सौरव जोशी के बारे में क्या कहती है, चलिए मैं आप लोग को वीडियो में दिखाता हूँ। पता है जब मैं यहाँ पर आई थी तब सलील मामा और अतिन मामा ने कहा था कि सौरव जोशी बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, सोशलाइज नहीं करते, लेकिन जब उन्होंने पापा को चार चार घंटे कंप्यूटर टेबल के पास बैठे हुए देखा, एडिटिंग करते हुए देखा, तब उन्हें समझ आया कि हाँ सौरव जोशी क्यों नहीं बाहर निकलते। और सच में ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देखा सौरव भैया, आपको लेकर जो कन्फ्यूजन था वो मैंने दूर कर दिया। तो गाइस अगर आप भी सौरव जोशी के फैन हो तो मेरे भाई वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं।